हे गाइस, मेरा नाम है सैयद सोबान और आप देख रहे हैं जागरणजोश.com। और इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, क्या क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे, उनके बारे में भी बात करेंगे। साथ साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। इंटरनेशनल ओलंपिक डे निम्न में से किस दिन मनाते हैं? सही जवाब है 23 जून। तो आपको बता दें कि 23 जून को ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ये दिन खेल एवं स्वास्थ्य का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। ओलंपिक दिवस खेल, स्वास्थ्य और एकजुटता का एक बड़ा जश्न है। ये साथ ही पूरी दुनिया को क्रियाशील बनाने एवं उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने हेतु सभी को आमंत्रित करता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य जो है खेलों के महत्व को बढ़ावा देना है और हर एक 4 साल में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है, ये हम सभी जानते हैं। और इसमें दुनिया भर से हजारों एथलीट शामिल होते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार निम्न में से कौन सा शहर रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर है? इसका सही जवाब है वियना। तो आपको बता दें कि दुनिया के रहने के लिए सबसे अच्छा शहर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना है और इस सूची में भारत समेत दक्षिण एशियाई देशों का प्रदर्शन बहुत ही निराशजनक रहा है। कुल 140 शहरों की सूची में देश की राजधानी दिल्ली 112वें स्थान पर है, मुंबई 117वें पायदान पर है, वहीं ऑस्ट्रिया का जो वियना शहर है इस सूची में सबसे टॉप पर है। द इकोनॉमिस्ट मैगजीन के द्वारा जारी वैश्विक लाइवेबिलिटी सूचकांक में पाकिस्तान की वित्तीय राजधानी कराची और बांग्लादेश की राजधानी ढाका को दुनिया में सबसे कम रहने लायक शहरों में रखा गया है। अगला सवाल। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की किस पूर्व कप्तान ने हाल ही में खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा करी है? सही जवाब है रुमेली धर। तो आपको बता दें कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान रुमेली धर ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। रुमेली धर ने भारत के लिए 4 टेस्ट मैचेस, 78 वनडे और 18 T20 मैचेस खेले हैं। उन्होंने 2003 में इंग्लैंड के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। बेहतरीन ऑलराउंडर मानी जाने वाली रुमेली ने भारत को 2005 में दक्षिण अफ्रीका में हुए महिला विश्व कप के फाइनल में पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। उन्होंने 6 साल के अंतराल के बाद 2018 में भारतीय टीम में वापसी की थी। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से ज़रूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो आपको बता दें कि ये IGI एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से ज़रूरतों को पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। ये 1 जून से केवल जल सौर ऊर्जा इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है और ये एयरपोर्ट पर 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य पाने की दिशा में बड़ा कदम है। हवाई अड्डे की कुल बिजली की 6% ऊर्जा एयर साइड और कार्गो टर्मिनल की छतों पर लगे सोलर पैनल से होती है, वहीं जल ऊर्जा से शेष 94% बिजली मिल रही है। अगला सवाल। हाल ही में किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? सही जवाब है दक्षिण कोरिया। तो आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया ने हाल ही में नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। अधिकारियों ने कहा है कि इस सफलता से देश की बढ़ती अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं में न केवल और बढ़ोतरी होगी बल्कि इससे यह भी साबित हो गया है कि दक्षिण कोरिया के पास अंतरिक्ष आधारित निगरानी प्रणाली बनाने और बड़ी मिसाइलें बनाने की अहम तकनीक मौजूद है। इस प्रक्षेपण ने दक्षिण कोरिया को अंतरिक्ष में उपग्रह स्थापित करने वाला दुनिया का 10वां देश बना दिया है और यह दक्षिण कोरिया का नूरी रॉकेट का दूसरा प्रक्षेपण था। अगला सवाल। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रभावी एक्शन प्लान के जरिए 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक से संबंधित कितनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की है? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, 19। तो आपको बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रभावी एक्शन प्लान के जरिए 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक से संबंधित 19 वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की है। इस प्लान में जागरूकता एवं कार्रवाई दोनों साथ साथ ही चलेंगी। CPCB ने कंपोस्टेबल प्लास्टिक के लगभग 200 निर्माताओं को 1-time सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया है।
राज्य स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रतिबंधित 19 वस्तुओं पर 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से रोक लागू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। अब वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था, निम्न में से किस खिलाड़ी के द्वारा आगामी राष्ट्रमंडल खेलों में 37 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स टीम का नेतृत्व किया जाएगा? सही जवाब है नीरज चोपड़ा। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही जवाब दिया है। तो टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता हैं नीरज चोपड़ा, वो टीम का नेतृत्व करेंगे। टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडल विनर नीरज चोपड़ा भी इस साल 28 जुलाई से 8 अगस्त तक बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा नामित 37 सदस्यीय टीम में चुने गए हैं। अनुभवी डिस्कस सीमा पुनिया को अतीत में उनके प्रदर्शन को देखते हुए 5वीं बार राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लेने का मौका दिया गया है। अब एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, निम्न में से किस देश में G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन रूस, जर्मनी, पाकिस्तान या भारत। जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।